हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर सीरीज़। अज दे वीडियो दे विच आपां एक्सरसाइज नंबर 144 तो शुरू करांगे। दिस इज़ कंडीशनल। सो कंडीशनल्स की हुंदे ने, देखो लेफ्ट साइड ते आ जाओ, पेज है जिहड़ा थोड़ा, इधर देखो आपां एग्जांपल्स दे राही समझते हैं इन्हां नूं। फर्स्ट कंडीशनल, इफ वी हरी वी विल कैच द बस। देखो यही कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे ने कि जेकर आप चीज़ करते तो यह चीज़ होंदा जा होवेगा। ठीक है, देखो अगर ये हो तो वो होगा। ठीक है, मतलब जेकर यह चीज़ होंगी तो वह चीज़ होंदा। ठीक है, हुण देखो वी, इफ वी हरी, जे आप जल्दी करते जा जल्दी होंगे, वी विल कैच द बस, आप बस फड़ते। ठीक है, आप बस फड़ लेवे। ओके, इफ वी मिस इट, जेकर आपने यही मिस करता, देयर विल बी अनदर वन, तो फिर इतने कोई होर होगा। ठीक है, मतलब जेकर यह चीज़ होगी तो मतलब जे चीज होंगी जा होंगी है तो की होगा, होगा कोई अगली चीज़। मतलब कंडीशन ते डिपेंड करती है एक चीज़ की, दूजा जेड़ा अपनी कंडीशन है वह दूजी ते डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब एक चीज़ का होना तो दूजी चीज़ नू की करता, उहदी पॉसिबिलिटी तय करता भी वह चीज़ होगी। ठीक है, सो इसका ही रूल है, इफ लग्या होगा इस सेंटेंस के विच, इफ दे नाल प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल थोनू पता होना चाहिए, वर्ब की फस्ट फॉर्म होंगी है। ओके, फस्ट फॉर्म के नाल एस ई एस एन प्लस विल, जिहड़ा दूजा पार्ट होगा सेंटेंस का उहदे विच विल यूज होगा प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म। ओके, देखो इफ इट डजंट रेन, ना हो तो आप पिकनिक ते जावांगे। ठीक है, इफ आई डोंट प्रैक्टिस माई गोल्फ, जे मैं अपनी गोल्फ की प्रैक्टिस नहीं करता, आई वुडंट गैट एनी बैटर, तो मैं कुछ बैटर नहीं मिलेगा। ओके, मतलब मैं बैटर रिजल्ट नहीं पा सकता। सो देखो आप एग्जाम्पल्स देखते हैं, इहदा तुसीं रूल याद रखना, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, यही की है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज ने, इन्हों का इन्हों की कहना तुसी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज। ठीक है, इन्हों का रूल हुंदा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो देखो रचेल, हैव यू हियर्ड अबाउट द पॉप फेस्टिवल। विकी, यस, हुण इट इज़ ते इट विल बी। ठीक है, इन दोनों विचों आपां ने एक चूज़ करना। गुड, इफ एक्सप्रेस आर प्लेइंग देयर आर अ ग्रेट बैंड। ठीक है, सो इत्थे की आऊगा, इट विल बी। ओके, बी है हुण इत्थे, बी कि है, यह बी वर्ब की फॉर्म है उरे। ओके, नैक्सट देखो, विल यू बी एबल टू गो निक। देखो इफ आई आस्क, हुण देखो इफ दे नाल आपां ने की लाना सी, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल है जो आपां ने इफ दे नाल लगाना। ओके, माई बॉस आई ही विल गिव मी सम टाइम ऑफ वर्क। ठीक है, यह सैकेंड पार्ट है सेंटेंस का, यह फस्ट पार्ट है इफ वाला। जिवें उपरले च देखो इफ दे नाल यह है ना एक्सप्रैस आ गया। ठीक है, यह इफ दे नाल प्रेजेंट फॉर्म हो गई। हुण इधर आप लावे विल प्लस बी, मतलब बिल विल प्लस फस्ट फॉर्म। नीचे आ जाओ थर्ड ते, विकी, हाउ आर वी गोइंग टू गैट देयर। रचेल, वैल इफ, हुण देखो इफ आ गया। ठीक है, इफ देयर आर बी इनफ पीपल वी कैन हायर अ मिनी बस। इफ जे इफ दे नाल आपने प्रेजेंट फॉर्म चूज़ करनी है। ओके, एंड नैक्सट आ जाओ बी एक्सरसाइज, यूज इफ प्लस प्रेजेंट टेंस विल और कैन। इट माइट रेन,
इफ इट डज एनीवन कैन ईट इनसाइड, ठीक है, मतलब रेन हो सकती है, इफ इट डज जे हुंदी है तां सारा नू सारे अंदर खाना खा सकते हैं, ठीक है। सो देखो इफ इट रेन्स, इफ दे नाल इट रेन्स मतलब ये प्रेजेंट फॉर्म होगी, है ना, एवरीवन कैन ईट इनसाइड, ठीक है। सो अपने विल जा कैन विचों चूज़ करना सीगा जिमें कि उपर दिता हुआ, सो अपने कैन लगाता। नैक्सट ते आ जाओ, द चिल्ड्रन मस्ट नॉट गो नीयर निक्स टॉक, इट विल बाइट दैम। इफ द चिल्ड्रन गो नीयर निक्स टॉक, ओके, जेकर चिल्ड्रन मतलब बच्चे निक दे कुत्ते दे नेड़े जाते हैं, ओह उन्होंने वड लेगा, इट विल बाइट दैम, ओह उन्होंने वड लेगा लेगा, ठीक है। सो इफ दे नाल चिल्ड्रन गो, गो देखो प्रेजेंट फॉर्म च आ गई, ठीक है। नैक्सट देखो जिहड़ा नैक्सट पार्ट है, तो विल दे नाल बाइट, बाइट फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अगे देखो रचेल माइट फेल हर ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है, रचेल अपने ड्राइविंग टेस्ट दे विच फेल हो सकती है, बट शी कैन टेक इट अगेन, वह दोबारा दे सकती है। हुण अपने सिचुएशन दिती हुई है अपन, है ना, अपने इफ दे नाल यह कंडीशनल सेंटेंस बनाना है ये, ओके। इफ रचेल फेल्स हर ड्राइविंग टेस्ट, जेकर रचेल अपने ड्राइविंग टेस्ट विच फेल हुंदी है, शी कैन टेक इट अगेन, वह इसनों दोबारा दे सकती है, ठीक है। सो अपन ने देखना कि इफ किहदे नाल लगेगा, ठीक है, मतलब जेकर यह चीज़ हुंदी है तां वह होवेगी जां हो सकती है। सो अपन ने यह ध्यान च रखना दिमाग दे विच, इहदे नाल ही अपन ने यह सारी एक्सरसाइज करनी है। सो नैक्सट सी ते एक साइड ते सेंटेंस दिते हुए ने इफ वाले, दूजी साइड ते दूजी। सो अपने इन्हां नू मैच आउट करना किहदे नाल किहड़ा होगा। फर्स्ट देखो यू लूज योर क्रैडिट कार्ड, अगे यू हैव टू रिंग द बैंक, ठीक है, मतलब तुसी अपना क्रैडिट कार्ड खोता गुमाता, सो थोनू की करनी चाहिए है, बैंक नू इनफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। देखो इफ यू लूज योर क्रैडिट कार्ड, जेकर तुसी अपना बैंक सॉरी क्रैडिट कार्ड लूज करता है, यू हैव टू रिंग द बैंक, ओके। सो सारे दे नाल अपने इफ यूज़ करना। हुण नैक्सट देखो यू गैट प्रमोटेड, ठीक है, तुसी प्रमोट हो जाओगे, मतलब थोड़ी जिहड़ी पोजिशन है मतलब उपर चली जाओगी, ठीक है, जिस टाइम इस टाइम ते जिहड़ी थोड़ी पोजिशन हैगी है ओहदा ओ प्रमोट हो जाऊगा, उपर हो जाऊगा तुसी, कदों योर सैलरी गोज अप, ठीक है, एंड फिर की हो जाऊगा उहदे नाल थोड़ी जिहड़ी सैलरी है वह भी वध जाऊगी। सो इफ यू गैट प्रमोटेड, जेकर तुसी प्रमोटेड हुंदे हो, योर सैलरी गोज अप, ठीक है, थोड़ी सैलरी है जिहड़ी वह भी वध जाऊगी। ये सिर्फ मैच करने ने, ठीक है, जिहड़ी कंडीशन जिहदे नाल मैच हुंदी है वह तुसी करो। एंड नैक्सट 145 एक्सरसाइज देखो, यह सैकेंड कंडीशनल सेंटेंसिस ने, ठीक है, ये की होगा इफ दे नाल पास्ट सिंपल होगा, ठीक है, प्लस वुड, वुड दे नाल वर्ब की फस्ट फॉर्म, ठीक है, तो यह की चीज़ चेंज होगी, प्रेजेंट की जगह पर पास्ट आ गया, ठीक है, पास्ट सिंपल थोनू पता होना चाहिए, ये की रूल हों, वर्ब की सैकेंड फॉर्म होंगी है, ठीक है, कोई वर्ब की सैकेंड फॉर्म होगी प्लस वुड होगा लग्या हुआ, ठीक है, मतलब जो नैक्सट पार्ट होगा सेंटेंस का, तो प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म, ओके। सो जेकर यह हुंदा तां ओह चीज़ हुंदी, ठीक है, ये एवें हुंदा सेंटेंस, मतलब कहने दे विच आपां कहिंदे आ जे ये चीज़ हुंदी तां ओह हुंदा, ठीक है। जिवें देखो इफ आई एट केक, जे मैं केक खांदा, आई वुड गैट फैट, मैं मोटा हो जाता, ठीक है, मैं मोटा हुंदा, ठीक है, मतलब पिछे पलांदे आ ना ता ते ती, जेकर ये हुंदा, ठीक है, दा दे दी, तां यह चीज़ हो जाती, ओके। सो इफ आई हैड योर फिगर, जे मेरे कोल तेरे वर्गी फिगर हुंदी, आई वुड ईट द होल लॉट, मतलब मैं सारा खा जाता, ठीक है, मतलब मैं काफ़ी सारा खाना खा जाता। सो इधर आ जाओ एक्सरसाइज से।
कमेंट ऑन दी सिचुएशंस यूज अ सेकंड कंडीशनल विद वुड और कुड. एंड्रू इज सच अ बोरिंग पर्सन बिकॉज ही वर्क्स ऑल द टाइम. ठीक है, एंड्रू एक बोरिंग पर्सन है क्योंकि वह सारा दिन काम करता है. यू नो हुण अपने सिचुएशन बनानी है इफ दे नाल लगा के. ठीक है, हुण देखो जेकर की हुंदा है तां की होवेगा. ठीक है, मतलब की हुंदा तां की हुंदा. हुण देखो जेकर एंड्रू है जिहड़ा ओह ना ज़्यादा पढ़ता तां ओह बोरिंग ना हुंदा. ओके, इफ एंड्रू डिडंट वर्क ऑल द टाइम, जेकर एंड्रू सारा दिन काम ना करता, ही वुडंट बी सच अ बोरिंग पर्सन, ओह इन्ना बोरिंग पर्सन ना हुंदा. ठीक है, सो अपन ने उपरली जिहड़ा सेंटेंस दिता होया उसनू देख के सिचुएशन बनानी है. कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने ने इफ लगा के, तो यह रूल फॉलो करके जिहड़ा सैकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल दस्या थोनू. ओके, यू कांट टेक अ फोटो बिकॉज यू हैवंट गॉट योर कैमरा. तुसी फोटो नहीं खिंच सकते क्योंकि तुहाडे कोल कैमरा नहीं हैगा. How annoying, if I had my camera, जेकर मेरे कोल मेरा कैमरा हुंदा, I could take a photo, मैं फोटो ले सकदा. ठीक है, so next, you can't look the work up because you haven't got a dictionary. ठीक है, you can't look the word up, मैं word नहीं देख सकता क्योंकि मेरे को dictionary नहीं हैगी. ठीक है, हुण if दे नाल आपां सेंटेंस किवें बनावांगे. जे मेरे को dictionary हुंदी, ठीक है, मैं word देख सकता या देख पाता. ओके, सो इफ आई हैड अ डिक्शनरी, जेकर मेरे को डिक्शनरी हुंदी, आई कुड लुक द वर्क अप. ठीक है, मतलब मैं word देख सकता सी, word नू फाइंड आउट कर सकता सी डिक्शनरी दे विच. ओके, सो नेक्स्ट तुसी आप करने ने बी एक्सरसाइज ते आ जाओ. फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशनल्स. ठीक है, फर्स्ट ते सेकंड दोनों मिक्स करके तुसी अपने आप बनाने ने केड़े च केड़ा लगूगा. ठीक है, हुणे तुसी देखोगे जिथे तुहानूं इफ दे नाल फर्स्ट फॉर्म दित्ती होगी वर्ब दी. ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस दित्ता होगा तां तुहानूं पता चल जूगा वी ओह फर्स्ट वाला कंडीशनल है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल है, तो जिथे थोनों वर्ब की सैकेंड फॉर्म आ गई इफ दे नाल. ठीक है, मतलब पास्ट सिंपल आ गया इफ दे नाल, तो वह की हो जूगा सैकेंड कंडीशनल है. सो तुसी सैकेंड वाले दे विच सैकेंड वाला रूल अगे वुड यूज़ करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट वाले दे विच विल यूज़ करोगे. ठीक है, जिमें कि रूल है, बस रूल फॉलो करके करना. ठीक है, जिमें आपां इस दे विच देखते हैं इफ यू लाइक. ठीक है, आई विल बुक आ टेबल फॉर यू फॉर थर्सडे. ठीक है, हुण देखो इफ यू लाइक. हुण देखो इफ दे नाल लाइक फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो यह फर्स्ट कंडीशनल टेंस है. सो इहदे नाल की लग जूगा, आई दे नाल विल, आई विल बुक. ओके, सैकेंड दे आओ, सैकेंड देखो इफ यू केयर्ड फॉर मी. केयर्ड देखो, हुण केयर्ड, ठीक है, ईडी लग गया, सैकेंड फॉर्म होगी. सो सैकेंड फॉर्म होगी तो आप वुड यूज़ करांगे. ओके, यू वुड नॉट प्ले. ठीक है, नोट पहला ही दिता हुआ आपां नूं ब्रैकेट दे विच. सो ब्रैकेट च जिहड़े वर्ड दिते हुए ने उही यूज़ करने ने, रूल्स लगा के अपने हिसाब नाल जिहड़ा रूल आऊगा उवें. ओके, थर्ड सी एक्सरसाइज, फर्स्ट एंड सैकेंड कंडीशनल. सो ए वी एम ही करने ने. देखो, इफ दिस रूम वॉज टाइडी आई कुड फाइंड थिंग्स. जेकर यह रूम साफ सुथरा हुंदा, वैल अरेंज्ड, आई कुड फाइंड थिंग्स, मैं चीज़ां नूं लभ सकदा सी. सो इहदा मीनिंग की बनिया, मतलब आपां ने सिर्फ एक मीनिंग लिखना भी, उहदा मीनिंग की बन गया, द रूम इज़ नॉट टाइडी. ठीक है, इहदा मतलब की है भी जिहड़ा रूम है वह साफ सुथरा नहीं हैगा. नैक्सट, इफ वी आर लेट टू नाइट वी कैन गैट अ टैक्सी. ठीक है, देखो इफ वी आर लेट टू नाइट, जेकर असी अज लेट हो गए तो असी टैक्सी नहीं फड़ पावे या टैक्सी नहीं कर पावे. सो यदा मतलब की बन रहा कि वी माइट बी लेट टू नाइट, अज असी लेट हो सकते हैं. ओके, नैक्सट, इफ द फोन वॉज वर्किंग
ठीक है जे फोन काम करता हुंदा आई कुड कॉल यू, मैं तेनू कॉल कर सकता सी। ठीक है तो फिर एदा मतलब की है जेड़ा फोन है वह की है डेड है, मतलब वो काम नहीं कर रहा। सो द फोन इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है यही दा मीनिंग बन गया। ओके सो जेड़ी फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है वो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट ते आ जाओ 146 कंडीशनल थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ये इफ दे नाल आपां पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल की हुंदा हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ये। ओके बस तुसी रूल याद करने ने, फर्स्ट कंडीशनल केड़ा रूल यूज़ हुंदा, सेकंड च केड़ा यूज़ हुंदा, थर्ड कंडीशनल दे विच केड़ा यूज़ हुंदा। सो उन्हां रूल्स दे हिसाब नाल सारी चीज़ां करनियां ने, जे रूल्स याद होणगे तां तुसी इन्हां नूं कर पाओगे। सो इहदे विच किवें हुंदे ने सेंटेंस, जेकर इह हुंदा तां इह हो चुक्या हुंदा। ठीक है हो चुक्या हुंदा, वुड हैव मतलब हो चुक्या हुंदा। सो एक्सरसाइज ते आ जाओ, एक्सरसाइज देखते हैं आपां। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, पुट इन करैक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज द पास्ट परफेक्ट और वुड हैव। ठीक है हुण देखो थर्ड कंडीशनल यूज़ करना आपां ने ओनली। ठीक है इट्स वेरी सिंपल। निक यूनाइटेड वुडेंट प्ले वेरी वेल टुडे। टॉम वी वर आउटफुल बट इफ हेकर डैश दैट ईजी चांस। ठीक है हैड टेक इफ दे नाल, हुण देखो इफ है ना जिथे इफ लग्या होगा इफ दे नाल आपां इत्थे अपना पास्ट परफेक्ट है जिहड़ा उह यूज़ करांगे। ठीक है इफ तो अगला सेंटेंस आऊगा कोमा वा के उत्थे वुड हैव यूज़ करांगे। ठीक है इफ हैकर हैड टेकन, हैड लगा के टेकन आ गया ना। ठीक है यह पास्ट परफेक्ट है। अगे देखो वी वुड हैव वोन, ठीक है वी वुड हैव आ गया एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है विन दी थर्ड फॉर्म वोन। सो यह रूल बन गया सारा। ठीक है नेक्स्ट वी डिडंट डिजर्व टू विन इट, हुण देखो इफ वाला लास्ट दे विच है इफ रेंजेस रेंजर्स। ठीक है इट वुड हैव बीन प्रेटी अनफेयर इफ रेंजर्स हैड लोस्ट। ठीक है रेंजर्स इफ वाला जिहड़ा सेंटेंस होगा बस इफ तो अगे शुरू हो रहा उत्थे तुसी हैड ला के थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है तो जिहड़ा इफ तो दूजा सेंटेंस होगा मतलब वह पहला भी आ सकता बाद च भी आ सकता। ठीक है तो ये देखो पहला आ गया वुड हैव बीन वाला। ठीक है मतलब जिहड़ा सैकेंड पार्ट हुंदा वह पहला आ गया उपरले दे विच बाद च सीगा। ठीक है सो यह इफ वाला बाद च भी दे सकते हैं थोड़ा पहला भी दे सकते हैं तुसी देखना होगा। ठीक है जिथे थोड़ा इफ वाला सेंटेंस शुरू हो रहा उत्थे तुसी हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे उस तो बाद वाले सेंटेंस दे विच वुड हैव थर्ड फॉर्म। ओके सो रूल याद रखना ने बस। नेक्स्ट आ जाओ यूज वुड हैव कुड हैव और माइट हैव। In a bookshop yesterday, Daniel saw a book he really wanted. The only problem was that he didn't have any money. ठीक है सो डेनियल नू एक बुक पसंद आई उन्हें खरीदना चाहता सी बट वो पैसे नहीं सीगे। सो आप किवें बनावांगे डेनियल वुड हैव बॉट द बुक, वह बुक खरीद चुकया हुंदा इफ ही हैड है हैड एनी मनी, जेकर उसके कोल कुछ पैसा हुंदा। ठीक है वह बुक खरीद चुकया हुंदा या उन्हें बुक खरीद ली हुंदी हुण तक। सो इफ ही हैड हैड एनी मनी। ओके सो नैक्सट आप करते हैं सोल्व। ऑन संडे द गैसट हैड टू हैव देयर लंच इन साइड। ठीक है संडे न गैसट ने लंच किया इनसाइड मतलब अंदर। अनफॉर्चुनेटली इट वॉजेंट वॉर्म इनफ टू हैव इट आउटसाइड। ठीक है मतलब बदकिस्मती दे नाल अनफॉर्चुनेटली इट वॉजेंट वॉर्म इनफ मतलब बाहर जिहड़ा मौसम से वो वधिया नहीं सी। ठीक है सो हुण आपां किवें बनावांगे इहनूं कि जेकर बाहर मौसम वधिया हुंदा
ठीक है, वधिया हुंदा तां फिर जिहड़े गेस्ट सीगे ओह अपना लंच जिहड़ा ओह इनसाइड कर लैंदे, ठीक है, इनसाइड कर चुके हुंदे। सो द गेस्ट वुड हैव हैड देयर लंच इनसाइड, ठीक है, सॉरी आउटसाइड, ठीक है, बाहर मतलब, ठीक है, इफ इट हैड बीन वॉर्म आउटसाइड, जेकर जिहड़ा बाहर मौसम है ओह वॉर्म हुंदा तां जिहड़ा गेस्ट ने ओह अपना लंच बाहर कर सकदे सी जां कर चुके हुंदे। ओके, नैक्सट भी तुसी की करना, सिचुएशन देखनी है बस, ओहदे विच लभना तुसी भी इफ दे नाल आपां किहड़ा सेंटेंस लावांगे। सो इफ दे नाल ओही अपना जिहड़ा रूल है ओह यूज़ करना दूजे सेंटेंस दे विच, दूजा, ठीक है, वुड है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। इस फॉर्म तुहानूं विच ही दित्तियां होईयां ने सारियां, सिर्फ तुसी अपने वल्लों इफ यूज़ करना। नैक्सट सी, सी एक्सरसाइज है, ये भी सैकेंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज यूज करने ने अपा ने। ओके, सो तुसी ये थोड़ा होमवर्क है 147, ये तुसी आप करोगे एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू डू दिस। नैक्सट वीडियो विच अगली एक्सरसाइज करांगे, इस वीडियो विच इत्थों तक ही करांगे अपा। ओके okay?